आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में लागू की धारा 144, शाहीन बाग में जमा होने और प्रदर्शन पर रोक। दिल्ली के हालात हो रहे हैं सामान्य, 41 मौतों के बाद 238 मामले दर्ज, नाले से मिला एक और शव। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, शेडो मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाधार चला रहे हैं सरकार। कांग्रेस नेता अजय सिंह का छल का दर्द, कहा इस सरकार में हमारी कोई नहीं सुनता। और एनटीपीसी की 2 कोयला मालगाड़ी भिड़ी, 3 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के शाहीन बाग में धारा 144 लागू कर दी गई है। शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर कहा है कि इस क्षेत्र में जमा ना हो और ना ही प्रदर्शन करे। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह शाहीन बाग धरना स्थल के नजदीक बैरिकेड्स पर यह नोटिस चिपकाया है कि इस इलाके में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस आदेश को न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाहीन बाग में 2.5 महीने से लगातार धरने पर महिलाएं बैठी हैं और नागरिकता कानून को हटाने की मांग कर रही हैं। इलाके में धारा 144 लागू करने का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हिंसा हुई है और दूसरी तरफ हिंदू सेना ने 1 मार्च यानी आज ही के दिन शाहीन बाग कूच का ऐलान किया था। हालांकि बाद में हिंदू सेना ने अपना फैसला बदल लिया, लेकिन पुलिस ने एहतियातन धारा 144 लागू कर दी। संयुक्त कमिश्नर डीसी श्रीवास्तव भी शाहीन बाग में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर यहां भारी संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। हमारा मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना को रोकना है। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली इलाके में भी लोग हंगामा खड़ा कर सकते हैं, ऐसे में पहले ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इससे पहले भी कई बार रविवार को रास्ता खुलवाने को लेकर लोग जमा होते रहे हैं। ऐसे में शाहीन बाग के लिए रविवार के दिन पुलिस खास तौर पर सतर्कता बरतती है। पुलिस लोगों की आवाजाही पर भी नजर रख रही है। दिल्ली में हुए दंगों में कम से कम 41 लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हो गए हैं, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 238 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 36 मामले शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं दंगे के मामले में शनिवार तक 885 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। कुछ मामलों की जांच स्थानीय पुलिस करेगी, जबकि कई मामलों की जांच क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। इस हिंसा में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में रविवार सुबह नाले से शव बरामद हुआ है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस शख्स की दिल्ली हिंसा के दौरान ही मौत हुई थी या उसकी मौत किसी दूसरी वजह से हुई है। लाश बरामद होने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। दिल्ली में हिंसा पर अब काबू पाया जा चुका है। पिछले 3 दिनों से हिंसा की कोई खबर नहीं है। उधर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर निजी संस्थानों सहित जिले के सभी स्कूलों को 7 मार्च तक बंद कर दिया गया है। हालांकि सीबीएसई ने कहा है कि कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को नॉर्थ ईस्ट जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी हिस्से से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। सरकार की पहली प्राथमिकता सामान्य स्थिति बहाल करना है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की थी कि 26 मृतकों की पहचान कर ली गई है, जबकि अन्य की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। घातक चोटों की वजह से 22 पीड़ितों की मौत हो गई, जबकि गोली लगने की वजह से 13 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिंसा में घायल 200 से अधिक लोगों का दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
वहीं 45 से अधिक घायलों का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। एनटीपीसी की दो कोयला मालगाड़ी आपस में टकरा गई है। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैठन थाना क्षेत्र इलाके के रिहंद नगर में एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी, वहीं दूसरी खाली मालगाड़ी लौट रही थी। दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी और टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मालगाड़ी में सवार कर्मचारी अंदर ही फंस गए। सिंगरौली के बैठन थाना क्षेत्र के गनियारी बीजपुर रोड में कचरा प्लांट के पास रविवार की सुबह बड़ी दुर्घटना घटी, जिसमें कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाली दो ट्रेनों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के इंजन के पर खच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन के इंजन में ट्रेन के चालक सहित कुल 3 लोग थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। इस भिड़ंत के बाद तीनों लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ट्रेन के इंजन को गैस कटर की मदद से काटने के बाद तीनों लोगों को निकाला गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल सहित एनटीपीसी के कर्मचारी और सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। एनटीपीसी के कायक रैक जो अमलोरी परियोजना से रिहंद के लिए कोयला लोड करके जा रहा था, दूसरा रैक रिहंद से खाली अमलोरी परियोजना की तरफ जा रहा था, तो 4:30 बजे के आसपास जो भरा हुआ रैक था उसने खाली रैक पर आकर के टक्कर मार दिया और खाली रैक का इंजन आगे निकल चुका था, कुछ डिब्बे उसके निकल चुके थे तथा कुछ डिब्बे शेष थे। ऐसी स्थिति में जो भरा हुआ रैक था उसका लोको पायलट, सहायक लोको पायलट का नाम रशीद अहमद है, सहायक लोको पायलट का नाम मनदीप है और जो पॉइंट्समैन है लक्षणधारी, तीनों लोगों की इस हादसे राम लक्षण सारी तो तीनों लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हो गई है और घटना के कारणों के संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। हमको यही कहना है कि सर, ये जो है बिना सिग्नल के तो गाड़ी लड़ी नहीं होगी, इसलिए इसका उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए, तुरंत कार्रवाई किया जाए। और प्लस दूसरा चीज़ ये है कि जिसकी जिनका बच्चा जो 7 महीने का बच्चा है, अब उसका भरण पोषण कैसे होगा, अब उनका क्या होगा, उनके लिए कुछ सोचे क्या करना है, क्या मुआवजा देंगे, क्या देंगे वो बताएं। फिलहाल अभी पुलिस, एनटीपीसी और सीआईएसएफ के लोगों के द्वारा मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों के साथ वार्ता कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सिग्नल देने वाला व्यक्ति जो सिग्नल देता है उसकी गलती से यह बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों ने एनटीपीसी प्रबंधन से मांग की है कि उन्हें नौकरी व समुचित मुआवजा दिलाया जाए। प्रबंधन के द्वारा 4 महत्वपूर्ण बातें कही गई। सबसे पहले तो हाई लेवल पे जो इंक्वायरी है इस घटना की वो करवाई जाएगी, उसकी प्रोसेस आज से चालू हो गई है, उनके द्वारा कहा गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो भी मृतकों का इंश्योरेंस रहेगा नियमानुसार वो कैलकुलेट होकर उनको विद इन 1 मंथ दिलाया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो मृतक परिवार है उनके जो भी नियमानुसार नॉमिनीज हैं उनको सेमी स्किल कैटेगरी में रोजगार की बात की है इन्होंने। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्काल राहत के रूप में 10 से 15 दिन के बीच में परिवार को सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की बात की है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में सरकार ने लूट मचा रखी है, सरकार शेडो मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाधार चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में घनानंद का शासन चल रहा है, प्रदेश दुरावस्था के दौर में है। एमपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शर्मा ने कहा, सरकार शैडो मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाधार चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में धनांध का शासन चल रहा है, प्रदेश दुरावस्था के दौर में है, दिग्विजय सिंह के शासन से भी बुरी स्थिति में मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश को बचाने का विषय है। अरे साहब, मध्य प्रदेश के हाल आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में है। मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह से भी ज्यादा मध्य प्रदेश खराब हो गया है, जो उन्होंने इस मध्य प्रदेश की बदतर हालत की थी उससे ज्यादा भी मध्य प्रदेश उस हालत में चला गया है। तो इसलिए मात्र एक चुनाव का विषय नहीं है जी, अब मध्य प्रदेश को बचाने का विषय है। मध्य प्रदेश के सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं। जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लाख घर भेजते हैं गरीबों को सर पर छत देने के लिए, उनके हक को छीन करके 2 लाख घर वापस कर देते हैं, मैचिंग ग्रांट नहीं देते हैं, कहते हैं हम इनको घर नहीं देंगे, इससे दुरावस्था और क्या हो सकती है। बीडी शर्मा ने कहा कि ये लोग प्रदेश में नंगा नाच कर रहे हैं, इनके
अब जाने की तैयारी है, इसलिए कमलनाथ सरकार शराब और रेत पर केंद्रित हो गई है। सरकार में संवैधानिक संकट है, शैडो मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार से आम जनता के साथ कांग्रेस नेता भी परेशान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का दर्द भी जुबान पर आ गया है। उन्होंने कहा, कमलनाथ सरकार में हमारी बात नहीं सुनी जाती। कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच की कड़वाहट सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता अजय सिंह ने भी कमलनाथ सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया है। अजय सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनका कहना है कि वह अपने क्षेत्र सीधी में विकास कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार में उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। अजय सिंह सीधी पहुंचे, यहां उन्होंने कहा, मैं सीधी में विकास कार्य करना चाहता था, युवाओं को रोजगार देना चाहता था, यहां की सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज अब नहीं सुनी जा रही है। अजय सिंह कमलनाथ सरकार में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। युवा संवाद कार्यक्रम में वो भावुक हो गए और उनका दर्द उनकी जुबान पर आ गया और उन्हें कहना पड़ा, हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही, सरकार होने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इससे जाहिर है कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस गुटबाजी के भंवर में फंसी हुई है। ठीक ठाक होने के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमों का बहुत कल्पना रही कुछ काम करें के, हमों बहुत सोचे रहे यहन के क्षेत्र के विकास के, यहन के युवा साथिन के बेरोजगारी दूर करें के, सिंचाई के साधन के और सब चीजन के तक, लेकिन आज हमारा सुनवाई नहीं है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुकमा जिले में नक्सलियों ने बर्बरता की हद पार कर दी है। अलग अलग स्थानों पर दो ग्रामीणों की पुलिस मुखबिरी के शक में नृशंस हत्या कर दी गई और एक ग्रामीण की पत्नी को निर्वस्त्र कर पीटा गया। नक्सलियों ने इस पर भी सुरक्षा बलों के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाया है। तोकपाल के ग्राम को लमकुंटा में 20-25 नक्सलियों ने पूर्व नक्सली मुचाकी हड़मा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। गला काटने के बाद उन्होंने मुचाकी की आंखें भी निकाल दी। इसके बाद उसकी पत्नी मंगली को निर्वस्त्र कर डंडे से पीटा। इसके बाद कुछ ग्रामीणों की भी नक्सलियों ने पिटाई की। मुचाकी मुख्य धारा में शामिल हो चुका था। उसका छोटा भाई हांदा नक्सल संगठन जन मिलिशिया का कमांडर था, जिसने पिछले दिनों आत्मसमर्पण किया है। मुचाकी की बहन पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि मुचाकी निशाने पर था। नक्सलियों को शक था कि हांदा ने मुचाकी के समझाने पर ही आत्मसमर्पण किया है। मंगली ने बताया कि नक्सली लुंगी में थे। दूसरी वारदात चिंतल नार थाना क्षेत्र के मुकरम गांव की है। इस गांव के पुजारी पारा स्थित टोले में पहुंचे नक्सलियों ने सो रहे मंडावी उर्रा को घर से उठाया, फिर गांव के भीड़ वाली जगह पर ले जाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। बीती रात दो अलग अलग इलाकों में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी है। एक घटना जो है वो तोंगपाल थाना क्षेत्र की है और दूसरी घटना जो है चिंतलनार थाना क्षेत्र की है। दोनों जो ग्रामीण हैं वो पूर्व में कभी ना कभी नक्सली संगठन से जुड़े थे एवं इन लोगों ने बाद में नक्सली संगठन को छोड़ करके साधारण जीवन यापन अपनाया हुआ था। शायद इसी बात से क्षुब्ध होकर के नक्सलियों ने इनकी हत्या की है। अभी कोई ठोस कारण हमको नहीं पता चल पाया है, लेकिन हमको
ऐसा लग रहा है कि ये लोग इनके ऊपर में मुखबिरी का शक करने के कारण इनकी हत्या की है। 10 साल के बच्चे का अपहरण हुआ और फिर 6 दिन के बाद बच्चे का शव मिला। पुलिस जिंदा बच्चे को नहीं ढूंढ पाई थी। 6 दिन बाद बच्चे का शव नेवरी गांव में संजीव नगर रोड पर झाड़ियों में मिला। शव काफी पुराना हो चुका। बच्चे का शव मिलने के बाद हत्या किसने की, इसका खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया है। पुलिस के अनुसार बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसका गला दबाकर हत्या की गई थी। घर का सबसे छोटा बेटा पवन उर्फ पुष्पेंद्र चौथी का छात्र था। 20 फरवरी को पवन सुबह 11:30 बजे खेलने जाने का कहकर घर से निकला। घर से 1 किलोमीटर दूर रहने वाले परिचित लालू के घर गया। काफी देर तक घर नहीं लौटा तो शाम 6 बजे उसकी माँ रिंकी लालू के घर गई। सवाल किया तो उसकी माँ ने कहा कि पवन उनके घर नहीं आया है। रात 1 बजे तक तलाशने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो 20 फरवरी को टोनी कनारजी ने शाहजहानाबाद थाने में अपने 10 साल के भतीजे के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। गुमशुदा बच्चे का कोई पता नहीं लग सका था। 28 फरवरी को नेवरी संजीव नगर मार्ग के पास झाड़ियों के बीच बच्चे का शव मिला जो पुराना हो चुका था। शव पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका था। हाथ के पास पी गुदा था जिसके जरिए उसकी पहचान हो सकी। शव घर से 4 किलोमीटर दूर मिला था। जूते और पैंट शव से दूर रखे मिले लेकिन अंडरवियर उतरा हुआ था। बच्चे के चाचा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इन 6 दिनों में ठीक से तलाश की होती तो शायद आज भतीजा जिंदा होता। लाश मिलने से पहले पुलिस यदि इतनी मेहनत कर लेती तो आज मेरा भतीजा जिंदा होता। इस संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली के आदेश पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 3 मनु व्यास के मार्गदर्शन में पुलिस विशेष दल का गठन कर हत्या के आरोपियों को पकड़ने में थाना शाहजहानाबाद पुलिस जुटी और 24 घंटे में हत्यारों का पता लगाया। पुलिस ने बताया कि बच्चा घटना वाले दिन गोपाल यादव के घर पर गया हुआ था। पूछताछ पर पता चला कि गोपाल यादव, मटू यादव और अरुण यादव बच्चे को लेकर दोपहिया वाहन से रेलवे ट्रैक के पास स्थित तालाब पर गए थे। आरोपी अरुण यादव ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने बच्चे के साथ दुष्कृत किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके साथ ही और भी जो लोग थे उनका भी पुलिस ने पता लगा लिया है। ये तीनों हत्यारे नगर निगम भोपाल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे। हत्यारों तक पहुंचने में पुलिस की टीम जिसने अपराध का खुलासा किया उसे नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा पुलिस उप महानिरीक्षक शहर रेंज भोपाल ने की है। छतरपुर के एक मैरिज गार्डन से पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। बैग चोरी होने की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में बैग चोरी की घटना की जब जांच की गई तो पता चला कि ये चोरी बच्चों के गैंग ने की है। छतरपुर के शहनाई मैरिज गार्डन से पैसों से भरा बैग चोरी होने की घटना सामने आई है। घटना 28 फरवरी की देर रात की है जहाँ करीब 5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने शादी फंक्शन खत्म होते ही इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में की और आरोपी को गिरफ्तार कर पैसे वापस दिलाने की मांग की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पाया कि बच्चा गैंग द्वारा चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि पहले भी इसी तरह की चोरी घटना मैरिज गार्डन में हो चुकी है जिसमें बच्चों के द्वारा चोरी की घटना को सीसीटीवी में साफ देखा गया है। अब पुलिस का कहना है कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बच्चों की जल्द पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। 27 तारीख को मेरे बड़े पुत्र का विवाह समारोह शहनाई गार्डन छतरपुर में आयोजित था जिसमें हम सब लोग जो है फोटोग्राफी का कार्यक्रम कर रहे थे। उसी दरमियान मैं परिवार सहित मंच पर गया और फोटोग्राफी करवाते समय मैंने अपना बैग अपने पैर से लगभग आधा फीट दूर पर रखा जिस समय उस समय जो है मंच पर परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी नहीं था। उस समय मैं जो है लगभग 30 सेकंड तक व्यस्त रहा। इस दरमियान जो है 30 सेकंड के बाद जब मैंने पीछे नज़र दौड़ाई तो मेरा बैग गायब था। जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी उसको जब मैंने दिखवाया तो उसमें ये पाया गया कि एक 10 से 12 साल का संदिग्ध लड़का जो है वो बैग को उठाते हुए पाया गया जिसकी तस्वीर साफ नहीं थी। बाद में और रिकॉर्डिंग को जब चेक करवाया गया तो उसमें 3-4 लड़के जो है संदिग्ध पाए गए। मुझे ऐसा विश्वास है कि यदि इन 3-4 लड़कों को पुलिस यदि पकड़ती है तो शायद सुराग मिलने की उम्मीद की जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा है, एक बच्चा दिख रहा है उसमें और उसके साथ 2 और लोग भी दिख रहे हैं। तो थाना प्रभारी धर्मेंद्र को मैंने बोला इसमें तस्दीक करने के लिए कि वाकई में
वो बैग पैसे से भरा था या नहीं, और घर वालों को भी वो बैग दिखाएंगे कि इसी बैग की चोरी हुई है कि नहीं, और जैसा आता है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। समय एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर विशेष विमान से दिल्ली के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर राष्ट्रपति का आत्मीय स्वागत किया गया। विमानतल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महापौर एजाज डेभर, मुख्य सचिव आरपी मंडल, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इसके उपरांत राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति कोविंद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला सुंदर लाल शर्मा विश्वविद्यालय पहुंचा। राजधानी रायपुर से सेना के 3 हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति और उनके सुरक्षा में तैनात अधिकारी पहुंचे, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगे। उनसे मिलने के लिए चंद लोगों का प्रोटोकॉल निर्धारित है। बिलासपुर पहुंचने पर युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल और बिलासपुर के महापौर राम शरण यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कहते हैं सांपों से दोस्ती नहीं की जाती, क्योंकि उनकी फितरत डसने की होती है। ये बात सच साबित हो गई जब हजारों सांपों को रेस्क्यू करके जान बचाने वाले स्नेक कैचर को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस सांप को भीड़ से बचाकर वो जंगल में छोड़ने जाना चाहता है, वो ही उसे डस लेगा, उसकी मौत का कारण बनेगा। सांपों की जान बचाते बचाते एक दिन यही सांप उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, ये सांप पकड़ने वाले प्रेम ठाकुर ने कभी नहीं सोचा होगा। सैकड़ों सांपों की जान बचाने वाले प्रेम ठाकुर को नहीं पता था कि एक दिन उसे किसी सांप से दोस्ती की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि हुआ क्या है। दरअसल लौह नगरी बचेली में सांप के काटने से NMDC कर्मी प्रेम ठाकुर की इलाज के दौरान जान चली गई। NMDC में कार्यरत प्रेम ठाकुर बचेली के एकमात्र स्नेक कैचर था, जो घरों या सार्वजनिक स्थानों से मिलने वाले सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया करता था और जीव रक्षा का ये काम प्रेम निशुल्क करता था। ऐसे ही REES कॉलोनी से फोन पर किसी घर में जहरीले सांप के होने की सूचना मिली। प्रेम अपने दोस्तों और सांप पकड़ने के उपकरणों को छोड़ सीधे बताए गए घर में जा पहुंचा। लोगों ने कहा मार देते हैं सांप को। प्रेम ने कहा नहीं मारेंगे, उसे जंगल में छोड़ देंगे, और सांप को काबू कर लिया। मगर जब वो थैले में सांप को डाल रहा था, उस वक्त गुस्साए सांप ने प्रेम की उंगलियों में अपने दांत कढ़ा दिए। रसल वाइपर जैसे जहरीले सांप के दंश से बेहाल प्रेम खुद इलाज करवाने अपोलो अस्पताल पहुंचा। ने उसे तुरंत एंटी वेनम दिया, मगर उसे नहीं बचा पाए। जानकारों के मुताबिक रसल वाइपर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। प्रेम को सांप ने जिस उंगली में काटा था, उस उंगली की नस का सीधा संपर्क दिमाग और दिल से होता है। इसी वजह से जहर तेजी से मस्तिष्क और हृदय में फैल गया, जिससे प्रेम की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन में लंबे इंतजार के बाद जगमगाती लाइटों से रोशन हो गया। लाइट व्यवस्था पूर्व पार्षद की पार्षद निधि और रेलवे मंडल के सहयोग से की जा सकी है। जगमगाते स्टेशन को देखकर आने जाने वाले यात्री काफी खुश नजर आए। पूर्व पार्षद भारती खटवानी की पार्षद निधि और भोपाल रेल मंडल के सहयोग से रेलवे स्टेशन पर हाई मास्टर लाइट का मुख्य अतिथि विधायक हुजूर रामेश्वर शर्मा ने बटन चालू किया। इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने संत नगर के कांग्रेस नेता पर तीखा हमला किया। विधायक शर्मा ने कहा कि अंधकार से भरे गरीब बेसहारा पिछड़ों के जीवन को प्रकाशवान बनाने के लिए संत शिरोमणि
संत हिरदाराम जी साहिब ने अपना जीवन समर्पित किया। संत जी के आशीर्वाद से और उनके आदर्शों से संत नगर रोशन है, परंतु कांग्रेस के कतिपय नेता संत नगर को रोशनी पर ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं। संत नगर रेलवे स्टेशन पर लाइट लगाने के देर रात आने जाने वाली माताओं बहनों बेटियों व्यापारियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। विधायक शर्मा ने कहा कि समाज में नेता का काम सामाजिक उत्थान का होता है, न कि दलाली अथवा समाज की जेब काटना। कांग्रेस ने एक साल से संत नगर गांधीनगर के 1000 गरीब परिवारों के पट्टों का वितरण रुकवाया। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर हाई मास्टर लाइट का शुभारंभ करने पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा कांग्रेस सरकार पर काफी आक्रामक नजर आए। विधायक शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद BRTS हटवाने और फ्लाईओवर बनवाने वाली कांग्रेस नेता खेल मैदान में अड़ंगे लगा रहे थे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को एक माह का समय देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के दबाव में संत हिरदाराम नगर की जो लाइट बंद की गई है अथवा दबाव में लाइट नहीं लगाई जा रही है, उन्हें चालू कर दिया जाए, नहीं तो एक माह के अंदर लाइट के अंधेरे से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। संत नगर रेलवे स्टेशन पर हाई मास्टर लाइट का शुभारंभ करने पहुंचे विधायक शर्मा का बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं बहनों ने व्यापारी जनों ने हाई मास्टर लाइट के लिए विधायक शर्मा का स्वागत किया। विधायक इस अवसर पर राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सदस्य नितेश लाल मंडल, अध्यक्ष चंदू भैया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राम बंसल, योगेश वासवानी, पूर्व जोन अध्यक्ष दीपा वासवानी, पूर्व पार्षद भारती खाटवानी, शीला शामनाने, किशन अच्छाने, राजेश हिंगरोनानी सहित अन्य उपस्थित रहे। हाई मास का हमने लोकार्पण किया है, इसके बाद भी अगर और अंधेरा है, आज हमने इसको किया है और मैं चाहता हूँ संत नगर की जो और बंद लाइटें हैं वो भी लगभग जल्दी से जल्दी शुरू की जाए और इस संदर्भ में नगर निगम आयुक्त को ये कहा जाएगा कि वो लाइटें चालू करें और अगर एक महीने के अंदर यहाँ की बंद लाइटें चालू नहीं हुई तो रात में हम मशाल जुलूस निकालेंगे जहाँ से लाइट बंद है वहीं से। और नगर निगम और कांग्रेस की निकम्बी सरकार को और कतिपय दलाल नेताओं को ये बताएंगे कि तेरी अम्मा ये बंद है, इसको चालू कर। जागते रहो ग्रुप ने जिला जेल छिंदवाड़ा में कैदियों को सद्बुद्धि आए इसलिए गीता पाठ कराया। पाठ और कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य था कि बंदी अपराधी गतिविधियों को छोड़कर समाज हित में कार्य करें। शास्त्री अविरल महाराज द्वारा बताया गया कि सामाजिक रूप से कार्य करें, अपनी गलतियों का पश्चाताप करें जिससे समाज भी आपको अच्छी नजर से देखे और सारे अपराधी गलत गतिविधियों को छोड़ते हुए समाज हित में कार्य करें। जिला जेल में जागते रहो ग्रुप द्वारा लगातार समाज हित में कई सामाजिक कार्य करवाए जाते हैं, जैसे बेटी बचाओ, खून का रिश्ता, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा आदि। लगातार कई सामाजिक कार्य के साथ ही गीता पाठ किया गया जिससे बंदी गृह में कैदियों के आचरण में सुधार हो सके और जेल से निकलकर वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अच्छे काम करें और अच्छे इंसान बन सके। आज हमारी जेल में एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम किया गया जो इस क्षेत्र के प्रसिद्ध रामकथावाचक हैं श्री अविरल शास्त्री जी महाराज, उनके मुख कमलों से हमने एक कार्य करवाया, संपन्न कराया जेल में, जिसमें उनका प्रवचन 2 घंटे का लगभग प्रवचन हुआ जिसमें बंदी के कल्याण और रामकथा श्रीमद्भद भागवत से संबंधित जो अन्य हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसकी अच्छी शिक्षाएं उन्होंने बंदियों को दी गई और एक आह्वान हम उनके द्वारा किया गया कि बंदी जो हैं वो परिवर्तित करके समाज में अपना प्रॉपर योगदान दें। यह कार्य करने का मूल उद्देश्य जो समाज से आज ये जो बंदी कैदी यहाँ पर पहुँचे हैं ये किसी रूप से कल की तारीख में जब भी वापस पहुँचे समाज इन्हें सहज स्वीकार करे और ये सकारात्मक उद्देश्य से आज अपने अंदर में मानव जो जिस जीवन को इन्होंने पाया है मानव धर्म को निभाते हुए आगे सकारात्मक उद्देश्य से मानव सेवा, गौ सेवा, बेटी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में राष्ट्र हित में अच्छे से अच्छे कार्यों को करें। इसके चलते आज हम लोगों ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का उद्बोधन का कार्यक्रम यहाँ कर पाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।